अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है ज़ाकिर अहले बैत हाफिज़ मोहम्मद अली बलोच मरहूम आफ सामती अलैया के ज़िंदगी पर एक नज़र। बादशाह सरजमीन कच्ची ज़ाकिर हाफिज़ मोहम्मद अली बलोच आफ सामतिया जैसे ज़ाकिर सदियों बाद पैदा होते हैं। हाफिज साहब को तकरीबन 32 साल हो गए हैं बिछड़े हुए, लेकिन उनकी मकबूलियत का सहर अभी तक कायम है। ऐसे लोग हाफिज साहब के पसंदीदा हैं जो उनकी वफात के दहाइयों बाद पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने हाफिज साहब को लाजवाब बख्त अता किया है, जो न उनसे पहले किसी के पास था न उनके बाद किसी के पास है। उनके लाजवाब बख्त का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि आज के कोई ज़ाकिर उनकी तर्ज में खुतबा पढ़े तो हमने मोमिनीन को खुतबे में रोते हुए देखा है। हाफिज साहब जितने अजीम ज़ाकिर थे उतने अजीम इंसान भी थे। उनके इलाके बस्ती लश्करानी के लोग बताते हैं कि इतने फलाही काम इलाका में मुंतखब नुमाइंदे नहीं किए, बल्कि जितने काम मसलन बिजली स्कूल सड़क वगैरह हाफिज साहब ने अपनी जेब से इनको बनवाए। हाफिज साहब के दो बेटे हैं ज़ाकिर अज़हर अब्बास बलोच कसवर अब्बास बलोच। ज़ाकिर अज़हर अब्बास बलोच सिलसिला ज़िक्र अहले बैत को जारी रखे हुए हैं और कसवर अब्बास बलोच कौंसलर हैं। हाफिज मोहम्मद अली बलोच मरहूम सामतिया बस्ती लश्करानी लैया में अस्वाद खाक हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन।